गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एम ए सेमेस्टर टू के सब्जेक्ट कोड EC1 जिसका नाम है स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, इसके सिलेबस को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का जो हमारा जो सिलेबस है वो हमारा सेमेस्टर टू का पहला पेपर है। इस यह कुल 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। इसके पहले यूनिट में हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च अर्थात शोध क्या है, रिक्विजिट ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर अर्थात शोधार्थी के गुण, सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक विषय का चयन, वेरियस मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च अर्थात ऐतिहासिक शोध के विभिन्न प्रकार, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्टोरिकल मेथड, इसका मतलब हो गया कि अंतर अनुशासनिक उपागम इतिहास का, और लास्ट में जो हमारा यूनिट 1 का चैप्टर है इसका नाम है माइक्रो हिस्ट्री यानि वृहत इतिहास। ठीक है, इसके पश्चात हम देखें तो हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हमें हिस्ट्री एंड अदर डिसिप्लिन्स यानि इतिहास का अन्य डिसिप्लिन्स के साथ, अन्य विषयों के साथ संबंध देखना है, जिसके तहत हमें एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, सोशियोलॉजी अर्थात इन विषयों के साथ हमको इतिहास के संबंधों पर प्रकाश डालना है। इसके बाद जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंतर्गत हमें हिस्टोरिकल रिसर्च अर्थात ऐतिहासिक शोध को देखना है। फिर रिसर्च डिज़ाइनिंग, रिसर्च डिज़ाइनिंग का मतलब होता है शोध का कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसके बारे में। उसके पश्चात हम देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव, शोध का ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य इसको समझना है। फिर शोध के दौरान जो हमसे हाइपोथेसिस होती है जिसे रिसर्च क्वेश्चंस कहा जाता है, रिसर्च क्वेश्चंस भी होता है वो हमें देखना है, और हाइपोथेसिस भी देखना है। हाइपोथेसिस का मतलब हमारी परिकल्पना होती है कि हम किस चीज़ के विषय में शोध करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें इतिहास के स्रोतों में प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ओरल यानी मौखिक, प्राथमिक, द्वितीयक, ओरल यानी मौखिक, साथ ही साथ वेब सोर्सेज यानी इंटरनेट पे उपलब्ध जो स्रोत हैं उनके बारे में देखना। ये हमारे यूनिट 3 का भाग है। इसके पश्चात हम यूनिट 4 देखें तो इसमें हमें एनालिटिकल ऑपरेशन देखना है, जिसके अंतर्गत हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आंतरिक एवं बाह्य आलोचनाओं के बारे में पढ़ना है। उसके पश्चात हमें प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं आती हैं शोध के दौरान उसके बारे में जानना है, और तत्पश्चात इस यूनिट में हमें सिंथेटिक ऑपरेशन के विषय में पढ़ना है। तो ये हमारे यूनिट 4 में इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है, और हमारा जो अंतिम यूनिट है इसमें पेपर 1 जो हमारा सेमेस्टर 2 का पेपर 1 होगा EC1 स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग में, वो फिफ्थ यूनिट में हम देखते हैं थीसिस राइटिंग अर्थात शोध प्रबंध जो लिखते हैं हम उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद डिसर्टेशन, डिसर्टेशन का मतलब होता है लघु शोध प्रबंध, उसी का संक्षिप्त रूप होता है डिसर्टेशन, उसी का वृहद रूप होता है थीसिस। तो डिसर्टेशन देखना है, आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स के बारे में, रेफरेंसेस के बारे में जो हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं उसके बारे में, उसके बाद फुट नोट्स जो होता है वो पद टिप्पणी होती है जो हमारे पुस्तकों के नीचे में लिखी होती है उस पद टिप्पणियों के बारे में, और बिब्लोग्राफी का अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। किसी भी किताब की रचना अन्य किताबों की सहायता से की जाती है, तो हम जब अपने शोध प्रबंध या पुस्तकों की रचना करते हैं तो उसमें हम जिन संदर्भ ग्रंथों का सहारा लेते हैं उसे हम संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बिब्लोग्राफी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पेपर है स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, ये हमारे सेमेस्टर 2 का पहला पेपर है। इस सब्जेक्ट का कोड है EC1। तो यही हमारा विषय है, इसे मैं एक एक करके इसके सारे कंटेंट्स को, सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप उनको देखते रहिए और अपनी तैयारी घर बैठे बैठे करते रहिए। वैसे जब कॉलेज खुलेगी तो हम हर एक विषय को अलग से लेक्चर लेकर आपको वृहत रूप से समझा देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ अब अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय कम है और हमारा कोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो बिना समय गवाए आप अपने इस विषय पर काम शुरू कर दीजिए। मैंने कर रखा है, मैं एक एक करके वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है,
मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप अपनी तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।